हेलो एवरीवन, आंसर्स कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे क्या कहता है, द ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट ए विनर इन अ कॉम्पिटिशन गेट से प्राइज ऑफ ₹100। ठीक है, आप विन कर रहे हो तो आपको मिल रहे हैं ₹100, राइट। देन उसने बोला एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। सिर्फ आपने पार्टिसिपेट किया, जीते नहीं तो आपको मिला ₹25। ठीक है, तो फिर इसके बाद उसने बोला द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओवर, इन सब को मिला के उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए बेटा, ₹3,000। फिर उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, राइट। मेरे को निकालना है विनर्स का नंबर कि विनर्स कितने हुए। बच्चे ध्यान से देखो, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही इतने तो इसी में से कुछ विनिंग निकले होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और 25 स्टूडेंट्स के 25 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, रेस में पार्टिसिपेट किया है। जब आपने रेस को जीता तो उनमें से ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ निकलेंगे। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको तो हमने क्या दिए, प्राइजेस दिए। बाकी सबको क्या दिए, वो अलग से छोटे वाले प्राइजेस। यानी कि अगर फर्स्ट आए हो सेकंड थर्ड आए हो तो आपको दिए ₹100, राइट। तो तीन बच्चों को ही तो ₹100 मिले ना, तो मैंने उसको माना जो जीतते हैं, जो विन किया है जिन्होंने, तो वो क्या है एक्स। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। ठीक है, अब टोटल मेरे पास इतने थे, उसमें से एक्स जीत गए, उसमें से एक्स जीत गए, तो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाला निकालना पड़ेगा। तो कितना बेटा, 63 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से बच गया, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाऊँ वही सेम, इसको मैंने रुपीस में चेंज करना है क्योंकि मेरे को मनी टोटल ये दी हुई है, तो ये प्राइस रुपीस में है तो रुपीस में चेंज करूँगी। तो 100, अब एक पार्टिसिपेंट को जितने पे कितने मिलते हैं 100, तो एक्स पार्टिसिपेंट को कितने मिलेंगे बेटा, 100 × x। क्लियर सबको। फिर उसने बोला पार्टिसिपेंट्स कितने बच गए आपके पास, 63 माइनस एक्स, राइट। कितने बच गए, 63 माइनस एक्स, और पार्टिसिपेंट्स को कितने रुपए मिलते हैं 25। इन दोनों को मिला के टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए, 3000। तो बेटा कितना आ गया, 100 x प्लस, इसका मतलब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 63 × 25, 5 × 3 = 15, 1 × 5 = 30 and 1 31 6 then 12, इट मीन्स 5 and 1, इट मीन्स 1575। देन अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -25x = 3000। ये पॉजिटिव है बच्चे, वहाँ जाके नेगेटिव, 100x - 25x, इट मीन्स 75x = 3000 -1575, इट मीन्स 75x = 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया बच्चे 4, यहाँ से 2, 2 में से 1 गया 1, देन x = 1425/75, कैंसिल कर दो। यहाँ से देखो बेटा, 5 × 1 = 5, देन 2, 5 × 5 = 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, देन 5, राइट। तो यहाँ से इसको सोल्व करूँगी, 5 × 3 = 5 and then 7, यहाँ से इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ पे 3 × 1 = 3, देन 3 × 9 = 27, सो x = 19। और x मैंने क्या माना था, नंबर ऑफ विनर्स, सो द नंबर ऑफ विनर्स इज 19। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।